बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन शाही कोरमा की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए जो चाहिए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन है, 1 खाने का चम्मच नमक है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। चलिए पहले मैरिनेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है जो मैंने अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद उसमें अब ये लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच नमक है, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसको अच्छी तरह मैरिनेशन कर लेंगे। तकरीबन अच्छी तरह मैरिनेट कर रही हूँ और ये मैरिनेट हो चुका है। तकरीबन 1/2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, फिर आगे रेसिपी शुरू करें, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ये गोश्त तकरीबन 1/2 घंटे हो गया इसको मैरिनेट हो रही। आगे रेसिपी को हम शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले यह कि मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख लिया, चूल्हा जला दिया। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया, तकरीबन मीडियम आंच कर लिया। ये 1/4 कप जितना घी है तो मैं डाल दूँ। जैसे ही घी गर्म होता है, ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत जल्द बन जाती है, झटपट। जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी के रेसिपी के साथ करिएगा तो देखिएगा कि आपकी रेसिपी कितनी जल्दी तैयार होती है। एक तरफ ये घी गर्म हो रहा है अच्छी तरह, जिसमें हमने ये गर्म मसाले कड़े डालने हुए हैं, 3 तेज़पात हैं, 2 दालचीनी की हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, 7-8 लौंगे हैं, 4 इलायची हैं और 3 बड़ी इलायची हैं जो कि हमने इसमें डाल देंगे। ये अच्छी तरह सोते हो जाए कड़कड़ा के तो फिर इसमें चिकन डाल देना। अब ये इसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह घी में फ्राई कर देंगे। जब चिकन बिल्कुल अपनी चिकन की शक्ल सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें और मसाले डालना शुरू कर देंगे। इसमें ये 1 कप प्याज है जो मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इसे ग्राइंडर में पीस लूँगी और फिर ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे ऐड करती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँ। ये तकरीबन ऐसे मैंने 7 मिनट तक भूनना है और 7 मिनट के लिए इसे ढक दूँगी। 7 मिनट के बाद मैं आपको फिर मिलती हूँ। मान लें अब 7 मिनट हो चुके हैं, हम खोल के देखते हैं। खोलने के बाद तकरीबन ये हाफ कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर जो अजरा डालने वो ये हैं, पिसे हुए बादाम है 2 खाने के चम्मच, और 1.5 कप ये दही है। तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ढककर 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। फिर 10 मिनट के बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके, देखिए अभी इसके रंगत और कंडीशन बिल्कुल ऐसी है। 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब ना इसी स्टेज पे मैंने अब ये जो प्याज आपको मैंने दिखाई थी वो मैंने ग्राइंडर में पीस लिया, थोड़ा सा पानी डाला और इसको अब ये प्याज डालने से इसे थिकनेस आ जाएगी। पहले मैंने 2 खाने के चम्मच बादाम पिसे हुए डाले, अब ये 2 खाने के चम्मच बादाम साबुत जाएंगे, क्योंकि ये शाही कौरमा है उसमें बादाम लाजमी जाते हैं। ये देखें ना, फ़ौरन डालते सारी प्याज घी ऊपर आना शुरू हो गया। अब इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि घी अच्छी तरह ऊपर आ जाए। अगर बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे तो जल्दी भी बनेगी और बहुत टेस्टी
और गोश्त देखना देखना बिल्कुल गोश्त नहीं टूटा, ऐसे ही चलाना है इसी तरीके से, इंशाल्लाह आपका भी नहीं टूटेगा। जैसे ऐसे ही बिल्कुल यही रेसिपी आप करेंगे तो इसी रेसिपी से फॉलो करें तो बिल्कुल इसी तरीके से आप खाएंगे। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, और इसी में ना अब चंद कतरे केवड़ा सेंस डालना है, एक दो कतरे, वो भी आप देखना मैं आपके सामने, ये बस इतना सा डालना है। ये बिल्कुल शाही कौरमे की इसमें खुशबू आ रही है, जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं वो आपको शाही कौरमा देते हैं ना, उसमें ऐसे ही अरोमा आ रहा होता है, ऐसी ही इसमें खुशबू होती है, तो वही चीज़ आप अपने घर में बनाएं शानदार, इतनी अच्छी बनेगी। ऑयल भी देखें इसका सारा ऊपर आ गया, और इसे थोड़ी देर मज़ीद और बनाए पकाएंगे, और बुनाई करेंगे अच्छी तरह। अभी थोड़ी सी इसकी बुनाई और होनी है, जो मैं हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ। ये बिल्कुल तैयार हो गया, अब इसमें एक चाय का चम्मच गरम मसाला जाएगा। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी बिल्कुल, और साथ ही पहले इसको ज़रा अच्छी तरह गरम मसाले को मिक्स कर देना। ये इतना मज़े का तैयार हुआ है, इसकी शक्ल इतनी प्यारी आई है, और अब ऊपर से इसको गार्निश कर देना। गार्निश करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख देना। चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट हो चुके हैं, देखें ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।